मिस्र के दर्शन का मुख्य आधार है मक एक सब कुछा है और सब कुछा एक है। इस तरह से मक संपूर्ण की निमर्षता का मसदांत इसके सभी भाग के यज्ञ का शीघ्र रूप से सियामहत करता है। इस प्रकार यह सिझा जा सकता है मक प्राचीन मिस्रियासी स्वक्षनुष्य है और इनुष्य स्वक्ष है और सभी इनुष्य एक साथ स्वक्ष है और स्वगश के इल एक व्यक्ति है। इस अक्षीय यह ब्रह्मांड का एक जीमित ब्रह्मांड के रूप ये सिजने के बारे ये है और एक जीमित इकाई के रूप ये इसमलय जमिल और मिमिद अंता म्याओं से भरा है। जमक इसके सार ये मिशी है। मिस्र के मिश्व द्रिमष्ट और ब्रह्मांड यम मित्र और सांसारक के बीच कई इहत्व पुरुषंतर नहीं था। जहां हर मिया का एक मदव्य गमत मिमत के दायरे उस मिया के सांसारक प्रमत मन मदत्व के रूप ये आना जाता था। चाहे है मकतना भी सायान्य कव नहा। इस प्रकार प्रत्येक मिया एक सचेतन विचार से संपन्न हुई मक मनस पामदत कायश स्वयं मदव्य हो गया। मजस का अक्ष है मक सांसारक सब कुछ एक ही से मदव्य था। इस आधार के तहत प्राचीन मिस्रियासी सिस्तेथेमक इनुष्य ब्रह्मांड का एक योडल है और इसमलय आत्मज्ञान का अच्छा ब्रह्मांड का ज्ञान भी है। ये सिज गए थेमक सभी विज्ञान ने भी एक संपूर्ष का गठन मक्या है और इसी तरह मिरेश्ता खगल विज्ञान मचम कत्सा गमर्थ कला आमद ये एक इकाई के रूप ये उस पूरे के महसे थे और इसमलय उन्हें अलग से नहीं आना जा सकता था। इस द्रिमष्टक से यह सिझा जा सकता है मक कला विज्ञान और धिशय एक दूसरे से नष्ट रूप से जुड़े हुए थे। ऊपर एक अध्ययन यते हुए प्राचीन मिस्रियाम से नेब्रहान का एक इहान ईश्वर के म्याशर के एक सचे कायश के रूप येन देखा। मजस का प्रमत मन मधत्व इस तरह नहीं मक्या गया था भक्ति उनके कायों या मिरेश्ताओं के आदि सेम किया गया था। मचत्रमलमा प्रदनेर का अनुयाद ईश्वर के रूप ये मक्या जाता है। लेमकन इसे अपने आप ये ईश्वर के रूप ये नहीं सिझा जाना चाम है भक्ति ब्रह्मांडीय कायश के रूप ये सिझा जाना चाम है। अथाशत ईश्वर का कायश एक जीमित ब्रह्मांड ये मिम्भन्न तरीक से प्रकी हता है। इस प्रकार यमद इनुष्य का परियेश्वर के स्वरूप यम बनाया गया था त इनुष्य ने सारी श्रीमष्ट की छमी का प्रमत्मन मधत्व मक्या। इस प्रकार प्राचीन मिस्र के ब्रह्मांड संबंधी और ब्रह्मांड संबंधी विचार मिथक मौर प्रतीक के आदि से आध्यात्मक अधाराओं का प्रमत्मन मधत्व करने के आदर्श साधन के रूप यम भी मक्या जानेगा। इसमले नाइक के एक अमधमनी ये मिथक ज्ञान के संचार का एक तत्व बन जाता है। जहां त्रास्ती और भाग्य विपरीत के रूप ये एक पूरे के महस्य के रूप ये अम्बसर करते हैं। जैसे मक यह ब्रह्मांडीय कानून के साथ हता है या की कारण है मक प्राचीन मिस्र ये मिथक ये नमसक यूल्य का अभाई है। मक यह के इल उसी से अपने गहरे अक्षर प्राप्त करता है जब यह प्रकी हता है और यह उसी क्षर हता है जब यह यज्ञामन और दार्शमन ज्ञान यम परिमतिशत ह जाता है। उनके महसे किमले प्रतीक आदर्श आदि के रूप यंकाश क्रेंगेज यास्तमिकता के प्रमत्मन मधत्व और हुई प्रमत्मन मधत्व से ज्ञान के म्याशर की अनुमत देगा। इसमले यास्तमिकता यास्तमिकता नहीं है भक्ति यास्तमिकता का प्रमत्मन मधत्व है। प्राचीन मिस्रियाम से नेप्राकृत मतक दुमन्या से अपने प्रतीक विमर्श कायशक वे करने के मिले नहीं भक्ति उस अमधमनी से जुड़े एक विमर्श मसदांत के अक्षक अपनाया। उदाहरण के मिले एक कब्र ये निराशय गए बुयाई और कियाई के दृश्य की व्याख्या नहीं की जाएगी। बुयाई और कियाई का सांसारक कायश लेमकन एक सायान्य कायश के रूप ये मत्स का संदेह आध्यात्मक का इस अच्छी अंपार करता है मक जब आ जाता है काया जाता है। लेमकन प्राचीन मिस्रियाम से केमले इनुष्य की अधारणा का थी एक पहला लकंप्रय मिथक बताता है मक यानी जामत का जन्म मनियाश्ता अतुरा के आनंद के आंसुओं से हुआ है जब उसने अपने पहले पुत्र नेताउरु और येफनी का अराजकता के पानी से ब्राइद मकिया जब इस अमधमनी के याधि सेमदव्य का दराश्ता है। मक इनुष्य के अक्तस्तत्व का एक सकारात्मक चरित्र है। मक यानी अपने सार एन सीधे देत्व सेमन करने वाले प्री परियानंद का फल है। सृजन मिथक के अन्य संस्करण इनुष्य के जन्म का मनियाश्ता के चरी कायश के रूप ये आनते हैं। मजस के साथ सारी श्रीमष्ट सियाप था जाती है। इस प्रकार अन्य देवताओं राक्षस और मिम्भन्न संस्थाओं बनाने के बाद मनियाश्ता मिट्टी के आदि से और भगियान पद की सहायता से एक स्रहर या भगियान खनुई का इहान आयतर स्वयं इनुष्य जीन की सांस देता है। बाद ये मिस्र का जानिर और पौध और नील नदी के साथ बनाया जाएगा। तामक नया व्यक्ति एक बगीचे रहता है अगला और अराजकता की ताकत सियामहत करने के इरादे से पुरुष रॉयल्टी और राजनीमत दी जाएगी। मजस के साथ पहला यानी संगठन खुद भगियान के साथ मसर पर उभरेगा। कुमक प्राचीन मिस्र एम्फ्रॉन एक ही भगियान अवतार था। इनुष्य का देवता के रूप ये नहीं बनाया गया है नहीं प्रकृति मत की आत्माओं के रूप ये
सांसारक है, इसमें उसके पास अदृश्य पर कायश करने की क्षमता का अभाव है। लेमकन यह देवताओं के साथ अपने संयाग के आदि सहमत ए अदृश्य पर कायश करने इन सक्षी है। अदृश्य आप आ सकते हैं संपकशिये जो उन्हें सांसारक और पर्यात्मा दना आयाई के बीच इध्यस्त बनने की क्षमता देता है। इनुष्य एक रचनाकार द्वारा मिकमसत एक पर्याय जना है। लेमकन पुरुष स्वायत्तता के साथ यह दुमन्याओं का एक रिश्तेदार है और इसमें देवताओं के साइने भी पहचान और स्वतंत्रता है। कुंजी यह जानना है मक उसे अंधेरे प्रक्रिय मत के महस्य के रूप के सेमन्य मतृत मकिया जाए अराजकता और अव्यस्था की ताकत के बहकाए न आए। द बुक ऑफ द डेड के अध्याय 17 ये इरितक के मदन येंच दने का एक युक्य उत्तर यह हैमक इरित्यु की घिना के बाद भी इंसान एक पहचान के रूप किए रहेगा। इरित्यु मनुष्य के मलय जीन का परीक्षण है और इसका कई मनमित अंत नहीं है। इस मलय इसका पृथ्वी पर इनुष्य पर भी एक यौमलक प्रभाव पड़ेगा। कंगमक उसके अंधकार सांसारक काय सदृश ये उसके अक्तस्तत्व का प्रभावित करेंगे। प्राचीन मिस्रियासी एसेल गथेमजना नेपस्तत्व का नकारा नहीं। जीन और इरित्यु एक ही परदृश्य का महसा थे, एक दूसरे के प्रत्यक्ष और अमिभाज्य विस्तार के रूप यंकाश करता था। इरित्यु के इल जीन की इरित्यु नहीं थी, बक्ति जीन की एक नई राश्वत भौमतक और आध्यात्मक मनरंतरता थी। इरित्यु के मिस्र के दर्शन का द पहलुओं एवं व्यक्ति का विश्लेषण करके सिझा जा सकता है। बीए श्रेष्ठ अहिर आत्मा जुड़िया मदल सभी इनुष्य की नकल यह प्लाक्तिक कलाओं की रीति है जिसके याधि से आत्मा जी की दुमन्या यह हस्तक्षेप करती है। के ए इरितक जीमित और समय के ईथर चरित्र का द हरा आधार बाद के जीन का आधार जब बाद के जीन के दौरान सांसारक रीढ़ की भूमिका मनभाता है। का इरर परांत अक्तस्तत्व का दूसरा यौंगक कंबत या छाया का मिर्ध करता है। ज इच्छाओं जुनून दशा प्राथमिक दशक के एक सिंह की मिरेशता है। ज एक भूत की आड़ ये यूं इजाते हैं और प्रकीहते हैं। ताके मनियास के रूप येंसेया करने के मले सांसारक रीर का संदमक्षत करने के मले एबमलम स्नेसेया की मिस्र का सारा जीन और दर्शन ऊपर इमर्शत बुमन्यादी अधाराओं पर आधार रखा। प एयोशी अहमद ये बा और का व्यक्ति के अमिभाज्य जुड़िया घिक है। पूरे भौम तक रीर का खत कहा जाता था। यह सब प्राचीन मिस्रियामसय के मले एक कौली एंसारान मर्त मकिया जा सकता है। जीना सीखना और इरना सीखना मिस्र एंदर्शनरास्त्र भी नैमतक दर्शन है। मिस्र ये दर्शन का पवित्रता की उपलब्धि समहत मसदांत की एक श्रृंखला के व्याहारक अनुप्रय के रूप ये सिझा जाता है। ज असाधारण राजनीम तक धामिशक याज्ञामन और कलात्मक गमत निमत के विकास की अनुमत देगा। मिस्र की नैमतता नेरनंदा धखादी चरी देरद्रही हत्या दंग या दंग भड़काने और लगंग के साथ क्यूर विहार करने की इनाही की भले ही ये बुलाए है। इद्यपान आलस्य अकारर मजज्ञासा ईशियाश दूसर के साथ दुव्यशिहार गपशपात राजा या यातांपता के बारे एम्बुरा बलना भी इमजशक था। बुरे आने जाने आले इन कायों का मनशेद अच्छेकियों के मले उपदेर की एक श्रृंखला के साथ था। मत्सिये भगियान का प्रचुर यात्रा एम प्रसाद देना भूखे खाना तकलाना नग्न कब्दे फन्ना अन्य अच्छे काई के बीच रामिल थे। इन नैमतक उपदेन के आधार और स्वीकृति मत के रूप ये मिस्रियाम से नेजीन एम कहे गए कायों के अनुसार पुरस्कार या दंड के साथ इरित्यु के बाद आत्मा की अहिरता और दैय मनर्शय का यान्यता दी। तुमक उन्होंने पुमष्ट की मग जब रीर मिघमित या इर जाता है तो आत्मा अन्य रीर के इमिक जन्म या अवतार से गुजरता है। इस अक्षीय परियार एमपता का नैमतक अंधकार राज्य एमफ्रॉन के नैमतक अंधकार का प्रमतम्बम है और मफ्रॉन अपने आध्यात्मक विकास और ज्ञान से ईश्वरीय कानून या विस्था का प्रमतमन मधत्व करता है। मिस्रियासी मियाह के मिलन का सियाज की नी यानते थे और प्रे सिज और आपसी इफादारी के आधार पर यानी ये सुख प्रदान करने के मले आयशक थे। दान देताओं के प्रमत कृत तज्ञता मत खाने का सियाज का तरीका था। ये सिजते थे मत याल का यामला खाना एक दैय उपहार है और यह मग बाइना देताओं के प्रमत कृत तज्ञता की अंभव व्यक्ति है। मफ्रॉन से लेकर सबसे मिनम्र से एक तक सभी ने नैमकता या न्याय की भाईना के प्रमत प्रमतनिया वी की जब तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के मियेक के साइने अपने रष्ट के साइने और अपने अधीनस्थ के साइने अपने कायों की मजम्मेदारी ले। मिस्री आम सह के मलय न्याय ईश्वर से मन कलता है और पुरुष के बीच इसे कानून के रूप ये अनुयामदत मक्या जाता है और व्यक्ति की ओर से मिरेश रूप से पवित्र के चेहरे पर समय मजम्मेदारी की यांग करता है। अंधक कहानी ईमदे देखने के मले ईमदे मिरर ये नेरे चैनल पर जाएं।
अगला ईमदे प्राचीन ग्रीस का दर्शन।